नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज पुत्रदा एकादशी है। एकादशी का हमारे शास्त्रों में काफी महत्व है। एकादशी का जो दिन होता है वह भगवान विष्णु को समर्पित है। आज के दिन आप कुछ छोटे छोटे उपाय को करके अपने भाग्य उदय कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को पालनहार कर्ता कहा जाता है। वह हमें पालने पोषने का काम करते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे किस प्रकार भगवान विष्णु जी के एकादशी के दिन कृपा प्राप्त किया जाए, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को आज के दिन धनवान बनने के सबसे सरल आसान उपाय बताऊंगा। जो लोग पुत्र की कामना करते हैं तो आज के एकादशी काफी महत्व है। जो जिनके पुत्र नहीं हो पा रहे, जो गर्भधारण नहीं कर पा रहे, ऐसे व्यक्ति के लिए भी आज के दिन काफी महत्वपूर्ण होता है। जानकारी बताने से पहले थोड़ी भी जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहला है, ध्यान दीजिएगा, जो लोग धन वैभव से संपन्न बनना चाहते हैं, अक्षत पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आज के शाम के समय में तुलसी माता की 7 बार परिक्रमा अवश्य करना। एक नारियल रख लेना और 7 बार तुलसी की परिक्रमा करके इस नारियल को माँ तुलसी के सामने में आपको समर्पित कर देना है। भगवान शालिग्राम के सामने में समर्पित कर देना, इससे अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में धन वैभव पूरे साल जम करके आता है। दूसरा उपाय, जो व्यक्ति अगर संभव हो सके तो शाम के समय आंवले की जो पेड़ होता है इसका परिक्रमा करे। अगर जो व्यक्ति आज के दिन यानी कि एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की परिक्रमा 7 बार कर लेते हैं तो 7 जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो जाती है, फिर उनके घर में कभी भी निर्धनता नहीं रहती। तीसरा उपाय, गौ माता की परिक्रमा करना है। 7 बार अगर आज के दिन यानी कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति गौ माता की परिक्रमा करते हैं तो समस्त तीर्थों के पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि गौ माता के शरीर में समस्त तीर्थ बसते हैं, समस्त देवी देवता निवास करते हैं। गौ माता के प्रत्येक अंग में, प्रत्येक रोम रोम में अलग अलग प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। तो गौ माता की परिक्रमा करने से समस्त तीर्थों के पुण्य मिलेंगे, समस्त देवी देवताओं की पूजा पाठ करने का फल प्राप्त होंगे। और आज के दिन अगर जो व्यक्ति गौ धूली को लेकर के यानी कि गाय के पैर की धूल को लेकर के अपने घर पे छिड़कते हैं तो पूरे साल जम करके पैसा आते हैं, क्योंकि गौ माता को लक्ष्मी कहा जाता है और जहाँ पे लक्ष्मी है वहाँ पे कभी भी निर्धनता नहीं आती। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में किसी भी प्रकार के निगेटिव है, टोना जादू, भूत प्रेत विचारी क्रिया कर देते हैं, किसी भी प्रकार के दोष लगे, ये सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। चौथा उपाय सुन लीजिए, जो व्यक्ति पुत्र की कामना करते हैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महिलाओं को सरसों के तेल का 2 बूंद छींटे भगवान शालिग्राम पर अवश्य मारना चाहिए पुत्र की कामना के लिए। बिल्कुल ही आज के दिन यह उपाय करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, मनवांछित इच्छा की प्राप्ति होती है। तो सरसों के तेल के 2 बूंद छींटे या 1 मुट्ठी आपको सरसों ले लेना है, भगवान शालिग्राम को समर्पित कर देना है, सारी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो आज एकादशी है, एकादशी का कहा जाए तो किए जाने वाले उपाय को अवश्य कर लेना, आपके भाग्य उदय हो जाएंगे। इस प्रकार के छोटे छोटे उपाय हमें सक्सेस होने में काफी मदद करते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में बताया गया छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम।